नहीं यार, फर्क क्या है यार सीखने का। अच्छा कई लोग बोलते सर हम आपके साथ बात नहीं कर सकते, हमको आपके साथ बात करनी आता, बोले ठीक अच्छी बात है, गाली देने कितने लोगों को नहीं आता है आता है ना, माथ के ऊपर बहन के ऊपर के क्लासेस ज्वाइन किया था क्या, हुआ है कि आज माथ के ऊपर है, शनिवार पर बाप के ऊपर है, सोमवार पर भाई के ऊपर है, सीखा कि नहीं सीखा यार। जब तुम गाली सुन के गाली दे सकते हो तो पैसे वाले को सुन के पैसा कमाना क्यों नहीं। मैं किसी से बात नहीं करता था, आपको भी देख के यकीन नहीं हो रहा मेरे को मालूम है, आज भी मेरे घर में सबसे कम बात मैं ही करता हूं ये मेरा अचीवमेंट है, बेइज्जती थी एक्चुअल में ये है, क्योंकि मेरे घर वाले को आज भी लगता है। तो पहला रीजन था टॉप नहीं करना चाहता था, दूसरा रीजन था फैमिली सिक्योरिटी। मेरे पिताजी की डेथ के बाद मैं जब ऑफिस से घर जा रहा था, फर्स्ट क्लास के डब्बे में मस्त बैठा था मैं, और मैं जब घर जा रहा तो मेरी बहन का फोन आया कि तू किधर है। मैं बोला यार मैं तो रास्ते में हूँ। मेरे को बोलती जल्दी आ। मैं बोला कि क्या हुआ। बोले तू जल्दी आ। मैं बोला हुआ क्या। तो बोलती तू जल्दी आ। मैं बोला बोल हुआ क्या। तो उसने बोला कि अब्बा नहीं रहे। मैं बोला तू पागल है। बोलती नहीं सच में। बोले तू वापस से कन्फर्म कर, शायद तेरे को गलत सुनाई दिया होगा। उसने फिर से मेरे को फोन किया, बोली भाई सच में हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे मैं वहां से घर कैसे गया, मेरे को आज भी याद नहीं है। रात को घर गया, वहां से उन्होंने कार किया और डायरेक्ट गया हम लोग सोलापुर, क्योंकि डैडी का इलाज वहां पे चालू था। सेकेंड डे सुबह सारे लोग आए वहां पे, वो सारे रिश्तेदार भी थे, बट ऑब्वियस यार डेड बॉडी देखी किसको रोना नहीं आएगा। मैं रो रहा था, मेरी मम्मी रो रही थी, मेरे बहन लोग रो रहे थे, और वो टाइम पे बहुत दर्द हो रहा था। मेरे को बहुत लोग समझा रहे थे बेटा तू मत रो, तू घर का बड़ा है, तू रोएगा तो तेरी बहन को कौन संभालेगा, तेरी माँ को कौन संभालेगा, और तू अगर हिम्मत हार जाएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। वो टाइम पे ऐसा लगा कि यार एक गया, बहुत सारे लोग समझाने के लिए, संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बड़ा बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद वो रिश्तेदार कभी घर पे देखने को और पूछने को भी नहीं आते कि तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है भी या नहीं, तुम्हारी हालात कैसे है, तुम्हारी कंडीशन कैसी है। वो टाइम पे एक चीज समझ में आ गई थी कि सैयद आज अपन अगर जिंदा है तो अपनी माँ बहन भाई को कोई नहीं पूछ रहा, खुदा ना खास्ता अगर अपने को पूछोगे, क्योंकि मैं घर का बड़ा था, मेरे पर जिम्मेदारी थी। मेरी माँ ने मुझे एक बात बोला था, बेटा मुझे नहीं मालूम तू क्या करेगा, लेकिन तेरे को हर महीना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आज तेरे पप्पा नहीं है तो तेरे को ही करना पड़ेगा। और वो चीज एकदम दिमाग में फिट थी। तो बोला यार हर साल कोई ना कोई जा रहा है। कई सारे लोग कुवैत में गए ना, मेरे ख्याल से जिससे घर में होगा ना आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिला रहेगा, कोई कुत्ता नहीं आता पूछने के लिए। आपको पता है रिश्तेदार वापस कब मुलाकात करते हैं, मिलते हैं या तो किसी और रिश्तेदार की मैयत में या तो किसी और रिश्तेदार की शादी में, इसके बीच में कोई भी आइटम आपको मिलने नहीं आएगा। एक चीज समझ में आ गई बेटा, ये दुनिया में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसको बोलते हैं पैसा। क्या बोलते हैं? बाप बड़ा ना भैया। जब तक तेरे पास पैसा है लोग पूछेंगे सैयद तू कैसा है। मैंने दोस्ती यारी छोड़ी, ये धंधा मेरे को मिला, मैंने इसको स्टार्ट किया, आज खुशी होती है महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमाता हूं। अगर कुछ भी हो गया इस बंदे को, ये पैसा उसके नॉमिनी को जाएगा। आज मेरे टीम में लगभग 5,500 लोग हैं, मैं एक को भी पगार नहीं देता, कोई हिसाब किताब नहीं रखता, ऊपर वाला ना करे कभी कुछ हो जाए, मेरा डेथ सर्टिफिकेट जाएगा मेरे ऑफिस में विद इन 7 डेज 7 दिन के अंदर। ये पूरा धंधा, ये कॉन्सेप्ट मेरी मम्मी के नाम पे ट्रांसफर होगा, और मेरी मम्मी को ये धंधा करने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं, अभी पूछोगे ना आपकी फैमिली से कितने लोग प्यार करते, सब हाथ उठाएंगे, लेकिन मरने के बाद क्या छोड़ के जा रहे हो, पहाड़ी का घर, कर्जा, उधारी की जिंदगी, एडजस्ट वाली लाइफ। ये बहुत आसान है कहना कि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, और एक बात अच्छे से सुन लो, बच्चे पैदा करने वाले को बाप नहीं बोलते, उस बच्चे की हर जरूरत और सपने पूरे करने वाले को बाप बोलते हैं। और
ये सारी चीज जो प्रोवाइड करती है उस कंपनी का नाम है दोस्तों, मैं चाहूंगा